हाँ बोलो ना सर। कोई चैप्टर अगर करते हैं मैथ्स का, तो अभी अगर कोई चल रहा है चैप्टर उसको करते हैं तो टाइम कम लगता है। अभी उसको करते हैं, उसी चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं, हाँ। तो टाइम कम लगता है, हाँ। कुछ दिनों के बाद टाइम बढ़ जाता है, कुछ दिनों के बाद टाइम बढ़ जाता है उसी चैप्टर को करने में। नहीं ऐसा तो नहीं होता, उल्टा होता है शायद। एक बार करने के बाद दोबारा करते हैं आसानी से होता है, ज़्यादा हो जाता है कुछ दिनों के बाद। नहीं और लॉजिक तो बताओ क्या होता होगा, मतलब मैंने 15 क्वेश्चन अभी बनाए, अभी चैप्टर चल रहा है तो 20 मिनट लगे, बाकी मैं 2 महीने बाद बनाऊँ। एक अच्छी बात बताइए, ये देखो आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, है ना, मैंने कई बार अच्छे स्टूडेंट्स को ऐसे क्रैश होते देखा है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कई बार ऐसे भी देखा है, कई स्टूडेंट्स जो थे ना बोर्ड के टॉप, मतलब अपनी क्लास के टॉपर हुआ करते थे, मैंने उनको क्रैश होते देखा। पता है क्या, वो नोट्स ही नहीं बनाते अपनी होशियारी में, वो अलग ही चलते हैं, ठीक है, वो अपने होशियारी में नोट्स नहीं बनाए, लास्ट में पढ़े किसे, फिर वो इधर उधर वालों से कभी किसी की जीरोक्स करा रहे हैं, कभी किसी की जीरोक्स करा रहे हैं। अक्सर है ना वो अपनी प्रतिभा से नीचे ही जाके गिरता है, मतलब फायदा थोड़ी ना होता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन मैं बीच में कट कर गया, क्वेश्चन तो ये था कि जब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ तो टाइम ज्यादा लगता है, वो एक्चुअली में उसके पीछे रिदम होती है कारण। जैसे कई बार क्या होता है ना, टीचर जब पढ़ा रहा होता है ना तो आप रिदम में आ जाते हो, तो जब आप रिदम में आते हो ना तो आपको पता चलता है, टीचर भी बड़े स्मार्ट होते हैं, आपको पता नहीं, हम लोग बहुत स्मार्टली खेलते हैं, आपको नहीं पता हम कैसे खेलते हैं ना, पता है, हम ये खेलते हैं कि जैसे आज के दिन जो कराए ना उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देंगे ना, तो घर पे जाओगे तो आपको इजी लगेगा, और जिस दिन आप खोले हुए उस दिन आप तो खुले आ गए, नहीं तो आपको टाइम लग सकता है, क्यों, क्योंकि वो रिदम नहीं है ना।